एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और ग्वेन अपने घर पर अकेली थी। तो ग्वेन सोचती है, क्यों नहीं खेलने के लिए मैं अपने दोस्तों को अपने घर पे बुला लूं। और ग्वेन कॉल करते और अपने दोस्तों को वहाँ बुलाती है। उसके चार दोस्त वहाँ पर आते हैं, बेन, के ग्रीन, मैडवेन और केविन लेविन। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्वेन का खून हो चुका है और वहाँ पर उसके दोस्त भी नहीं है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर रुक आ जाता है, क्योंकि ग्वेन ने रुक को भी बुलाया था। रुक देखता है यहाँ पे ग्वेन का खून हुआ पड़ा है और रुक को पता चलता है यहाँ पे चार दोस्त पहले से ही थे। तो रुक उन चार दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है और सब यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर रुक उन सब से पूछता है कि जब खून हुआ तो तुम सब कहाँ थे। तो कोई भी कुछ नहीं बताता। तो वो सबसे पहले बेन से पूछता, बेन तुम बताओ तुम कहाँ थे। तो बेन कहता है, मैं तो किचन में खाना खा रहा था। फिर रुक के ग्रीन से पूछता है कि के ग्रीन तुम कहाँ थी। तो के ग्रीन कहती है, मैं तो कपड़े सुखा रही थी। फिर रुक मैडवेन से पूछता है कि मैडवेन तुम कहाँ थे। तो मैडवेन कहता है, मैं तो धूप में खड़ा था बाहर। और फिर रुक केविन लेविन से पूछता कि केविन लेविन तुम कहाँ थे। तो केविन कहता है, मैं तो टीवी देख रहा था। तो रुक सबकी बात सुनता है और पहचान लेता है कि खून किसने करा है। तो फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आ गया होगा तो आपको कमेंट में बताना है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ, खून करा है दो जनों ने, के ग्रीन और मैडवेन। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि बाहर बारिश पड़ रही थी और ये के ग्रीन कहती है कि मैं तो कपड़े सुखा रही थी और मैडवेन कहता है कि मैं तो बाहर धूप में खड़ा था। तो मतलब कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो खून करा है के ग्रीन और मैडवेन ने।